चलो आज का टॉपिक क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने बताया था। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल का तो कल हमने बता दिया था, आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, है ना। इसमें दो प्लेट होता है, ये दो गो प्लेट है, अरे 50 ग्राम। अब हम समझाए तो कलम मत चलाओ, कान को का घुज निकाल के एकदम टाइट करके ऐसे खड़ा करके रहो, है ना। दो प्लेट है पैरेलल प्लेट में। जैसे ही इसे वी वोल्ट से जोड़ा गया, जोड़ दिए, हमने क्या लिखा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट, है ना। टू लॉन्ग माने दो गोल लंबे समांतर कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब चालकीय प्लेट का बना होता है, जिनके बीच की दूरी बहुत स्मॉल होती है, छोटी। इसको जूम करके हमने आपको दिखाया है, हम एकदम छोटा कर देंगे तो फिर हम लिख कहाँ पाएंगे। जिनके बीच की दूरी क्या है? डिस्टेंस डी है। और जब भी वोल्ट से जोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? भी ही होगा, ठीक है। जैसे ही इसको इससे जोड़ा, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पर भी क्यू, एगो पॉजिटिव है, क्यू क्या आ जाएगा? निगेटिव। और इस प्लेट का एरिया क्या होगा? ए। इसका भी क्या होगा? ए होगा या नहीं? होगा। जब इस पर आएगा तो इसका चार्ज कहाँ होगा? आउटसाइड इंटीरियर की आउटसाइड, इंटीरियर साइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि चार्ज इसके आउटसाइड में नहीं है। नो चार्ज, नो चार्ज, आउटसाइड ऑफ प्लेट, प्लेट के बाहरी तरफ माने बाहर के तरफ, बाहर के तरफ आवेश क्या होगा? आवेश नहीं होगा। होगा, और जब आवेश नहीं होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा? जीरो होगा या नहीं? जब चार्ज ही नहीं होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं ना? होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। जब बापे ने तो बाल बच्चे कहाँ से हुई? नहीं होगा तो जीरो। अब चलो, अब ध्यान दो, इसमें दो तीन चीज ऐसा। ए क्या है? ए एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट एरिया है। क्यू प्लस माइनस क्यू, प्लस माइनस क्यों दिए? एगो पॉजिटिव है एगो नेगेटिव। प्लस माइनस क्यू क्या है? चार्ज ऑन प्लेट, ठीक है। दो प्लेट है तो दोनों पर एक पॉजिटिव है और एक, इसका हिंदी लिखने का जरूरी नहीं ना है, समझ जाओगे ना, ए पछुत्ती वाली समझेगी कि नहीं? हाँ। और इसमें डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, है ना। दोनों पट के बीच की दूरी है। एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ाया था आपको, एक लॉन्ग वायर लेमडा पढ़ाए थे, एक प्लेन सीट के लिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? याद है, वो कहला याद रहेगा, कहो कि जन्म सिद्ध अधिकार है, हम नहीं याद करेंगे, तो कतनों बोलबो हम नहीं करम। तो एक इसमें आ जाएगा क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या होगा? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या? आवेश घनत्व होगा।
चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, और क्या बच गया? चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव, इसके वजह से और उसके वजह से, और तो कुछ नहीं है इसमें, इतना ही चीज़ होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, तो इसको साफ करें और उसके बाद अब देखो, ए यह चार्ज प्लेट जो है, जो इस पर चार्ज प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, इसके वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। इसके लिए याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि एक चार्ज सीट के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बताए थे। इसमें हम गॉसियल सरफेस का निर्माण किए थे, हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया था, ये बताइए, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, इतना आया था या नहीं आया था? कहो कि याद नहीं है, याद क्यों करें? तो आप नहीं कीजिएगा तो इसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। हमने शुरू में ही क्लास स्टार्ट करने के पहले ही आपको बता दिया था कि हर डेरिवेशन का एक दूसरे से रिलेशन है। और एक चीज़ और बताया था हमने, E इज इक्वल टू डी वी बटे डी आर, ये भी बताए थे, याद है ना? ये दोनों का जरूरत पड़ेगा, तो पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमको निकालना है क्या है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है ना जी। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन भी कि और कुछ होगा, कैपेसिटेंस Q अपॉन भी, इससे पहले कैपेसिटेंस निकाले ना। Q क्या है, चार्ज, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको चाहे तो हम डी भी लिख सकते हैं, डिफरेंस है तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी भी इंटू डेल्टा भी इंटू सी, हो सकता है, या सी डेल्टा भी दे दो, सी डेल्टा भी, सी डेल्टा हो जाएगा, इतना नहीं होगा। चलिए, ये भी निकल गया है और एक ये भी चीज़ निकल गया है। अब हमको निकालना क्या है, ई टोटल, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ई वन प्लस ई टू, ई वन ड्यू टू प्लेट वन और ड्यू टू प्लेट टू, ई वन एंड ई टू। तो ई एक चार्ज से ई टू लिख दो, पैरेलल प्लेट के कारण चार्ज कितना होता है, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों के कारण तो वही ना होगा कि ये बदल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वही ना होगा, केवल डायरेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, और ये सिग्मा प्लस इज इक्वल टू टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, टू से टू कैंसिल, ई नेट इज इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई, सीधा सा जानिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, यह आपको काम आएगा। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा बराबर होता है कि नहीं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये क्या होता है, चार्ज
चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व होगा। तो देखिए, तो हम इसको हम क्या लिख दें, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, है ना। यहाँ देखिए ध्यान से, सिग्मा के जगह हम ये लिख दें क्यू बाई ए। अब नीचे में बटा एप्सिलॉन नॉट पहले से खानदानी है कि नहीं है, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब चलो, नाउ आप पढ़े हैं E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, पढ़े हैं। तो डी वी इज इक्वल टू क्या होगा, E डॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है, होगा क्या बोले, E। लेकिन यहाँ डी भी बराबर ई और आर क्या था, डिस्टेंस था। आर क्या है, डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच, डी। हम तो आर के जगह क्या दे दें, डी भी निकल गया कि नहीं निकला। अब बताओ हमको चाहिए क्या, सी चाहिए। सी बराबर कितना, सी बराबर क्यू अपॉन डी भी डेल्टा भी। यहाँ देख तो सी बराबर क्यू अपॉन डी भी कितना निकला, ई और डी निकला। लेकिन सी बराबर क्यू और ई कितना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, डी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये कैसे आया समझ में आया। यहाँ तक तो है ई नेट कहाँ से होगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ सिग्मा का वैल्यू हमने बैठा दिया। सिग्मा का वैल्यू कितना, क्यू बाई ए, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट है। नो हम लिख दिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम पढ़े हैं कि डी वी बटे डी आर रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे, उससे डी वी बाई डी आर आ जाएगा। नेगेटिव था, नेगेटिव केवल डायरेक्शन को दिखा रहा था, इसलिए उसे हमको मतलब नहीं है। डी वी निकाल देंगे, डी वी क्यों निकाले, क्योंकि हमको डी वी का ज़रूरत है ना। यहाँ सी निकालने के लिए भी का ज़रूरत है, तो हमने निकाल लिया। तो डी वी बराबर क्या होगा, ई और आर। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डी है। तो आर के जगह हमने क्या दे दिया, डी। अब तो हमको निकल जाएगा, चूंकि कैपेसिटेंस बराबर होता है क्या, क्यू बाई भी। तो क्यू बाई भी, तो ये क्यू और डी भी कितना आया, लिख दिए। अब क्यू और ई का वैल्यू यहाँ हम निकाले हुए हैं, डी भी बाई भाई। सॉरी, ई नेट ना है, ई कितना निकाले हैं यहाँ, हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम लिख रहे हैं कि सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू डी। और जब ये गुना होगा तो ये कहाँ चल जाएगा, ए एप्सिलॉन हो जाएगा। भैया गए काम से, तो सी बराबर कितना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा या नहीं। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यह क्या है, समांतर पट
संधारित्र की धारिता। ओके, कोई दिक्कत यहाँ? देखिए क्वेश्चन है आपका इस पर, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू एफ, एफ मीन्स फैराड, टू फैराड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चूंकि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फैराड, कैपेसिटर इज 0.5 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ प्लेट। यदि दो फैराड समांतर पट संधारित्र के पट के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो तो प्लेट का एरिया क्षेत्रफल बताएं। पछोती अगोती में देखो, इसमें दिया क्या हुआ है, बोलिए सी दिया हुआ है कैपेसिटेंस, क्योंकि फैराड लगा हुआ है इसका मतलब कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कितना है 2 फैराड है ना, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है डी, डी कितना दिया हुआ है 0.5 क्या सेंटीमीटर। अब इसको हमको मीटर में बदल देना है तो हम क्या करेंगे हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, कहे कि 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हम क्या करेंगे 0.5 अपॉन 100 तो क्या हो जाएगा हैं, बोलिए अगर ये दशमलव हटा दें तो छोड़ मत हटाओ बराबर 0.5 इंटू 10 इनवर्स 2 मीटर लिख सकते हैं, ये 100 है इसको 10 स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इतना तो हो सकता है। अब मीटर में क्यों बदला हम, क्योंकि यहाँ फैराड, अगर माइक्रो फैराड रहता तब उतने पर गौबा करके हम लोग निकाल देते। अभी हमने पढ़ा था तुरंत एकदम अभी का अभी घोटी है तू लोग कि C इज इक्वल टू क्या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, निकाली हो तो देख, तो हमको नीचे कुछ नहीं है तो क्या है क्रॉस मल्टी कर दें, A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C D लिख सकते हैं है? तो A इज इक्वल टू क्या होगा, दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा, हो गया। अब चलो है, अब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कितना 2 इंटू D कितना 0.5 इंटू 10 इनवर्स, अब बटा में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10 इनवर्स होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब देखो हम क्यों किए थे, पकौड़ी लाल 5 दूनी हो गया 10, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे 0 खत्म, 1 से किसी अंक में गुना करेंगे तो उतना ही होगा, गुना करने में हमको आराम होगा, पता चला क्योंकि, तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू 10 इनवर्स, अब बटा हटाओ इसको कर दो 1, इसमें इसे गुना किए तो 1 हो गया, आई कई अंक के बाद दशमलव 3, 1 2 3 कर दें ऊपर सुनना, अब बटा क्या बचेगा 8.85 अगुने 10 इनवर्स, आई जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस 12 होगा। अब A इज इक्वल टू बटे 8.854 इंटू 10 पे पावर हो जाएगा कि नहीं होगा, तो 10 पे पावर इस पर 10 को सुना देगा, इसमें इससे भाग दोगी तो आएगा
0.1129 इंटू 10 इन पर पावर 10 हो जाएगा। ये भाग दे के देख लेना, मेरे पास तो भाग दिया हुआ है ना। अब देख ए बराबर, ये बहुत बेइंसाफी है। यहाँ देख 1.112 है ना, आगे क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको 3 मान लें। अब बाद बाकी को छोड़ दें, अब गुना 10^9 लिख दें। अब ए बराबर भी इंसाफ है, फिजिक्स तो कहता है कि साइंटिफिक मेथड में लिखो, तो इसको हम क्या कर देंगे 1.13 कर सकते हैं। तब इस पर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर में था कि मीटर में था, और तब से मारेंगे ना कि वाइब्रेशन रिंगटोन सब खराब हो जाएगा। यहाँ मीटर में हम बदल दिए हैं तो मीटर हो जाएगा, और उसके बाद आंसर हो जाएगा सॉरी मीटर स्क्वायर होगा।